हेलो एवरीवन आज हम सॉल्व करेंगे मैथ्स वर्कशीट नर्सरी क्लास के लिए है और नर्सरी क्लास में मोस्टली होता है कि जो नंबर होते हैं उनका आइडेंटिफिकेशन ही करवाया जाता है तो जो फर्स्ट वर्कशीट है वो यही है कि आपको आइडेंटिफाई करना है नंबर को और सर्कल करना है नेक्स्ट है मिसिंग नंबर्स यहाँ पे काउंटिंग सीरीज वाइज लिखी हुई है लेकिन जो मिसिंग नंबर है वो आपको कंप्लीट करके वो जो सीरीज़ है वो कंप्लीट करनी है ठीक है काउंट एंड मैच यहाँ पे जो सर्कल्स हैं उनको काउंट करना है एंड इन नंबर से मैच करना है और यहाँ पे एडिशन है इन सर्कल्स को हमें काउंट करना है नंबर लिखने हैं एंड लास्ट में ऐड करके उनको टोटल नंबर लिखने हैं ठीक है थीके? तो हम स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफाई एंड सर्कल द नंबर ठीक है uh, number, हमें यहाँ फोर नंबर दिया हुआ है हमें फ़ोर को सर्कल करना है तो हम एक तरफ से करेंगे फर्स्ट रो में ये फोर है ठीक है बीच बीच में आप सर्कल मत कीजिएगा एक तरफ़ से है ना पहले फर्स्ट रो फिर सेकेंड रो ऐसे करके आप कंप्लीट कीजिए अगर जैसे बीच बीच में आप सर्कल करोगे ना तो फिर वो कंप्लीट नहीं होगा हो सकता है कहीं छूट जाए लेकिन अगर आप एक तरफ से करोगे मैंने फर्स्ट रो पहले कंप्लीट किया फिर सेकेंड रो तो इस तरह से आपके जितने भी फोर हैं वो टोटल सर्कल हो जाएंगे नेक्स्ट ये है ये फोर है ठीक है ये ठीक है यहाँ पे ये फोर ये फोर है ठीक है जितने भी फोर हैं हमें सभी फोर को सर्कल करना है ठीक है अब जितने भी फोर थे वो सभी सर्कल हो गए तो ये हमारा कंप्लीट हो गया ठीक है सेकेंड में आपको ट्वेंटी सिक्स टू सिक्स ट्वेंटी सिक्स सर्कल करना है तो हम स्टार्ट करते हैं टू सिक्स ये ट्वेंटी सिक्स ही लिखा है हम इसको सर्कल करेंगे टू फोर ट्वेंटी फोर वन थ्री थर्टीन वन सिक्स सिक्सटीन एंड टू सिक्स ट्वेंटी सिक्स ओके टू नाइन है ये ट्वेंटी नाइन ये 19, नाइन टू सिक्स ये ट्वेंटी सिक्स है ओके okay? हम इसको सर्कल करते हैं नाइन एक तरफ से सर्कल करना जरूरी है बीच बीच में मत कीजिएगा ट्वेंटी थ्री सिक्सटीन टू फाइव ट्वेंटी फाइव थ्री सिक्स थर्टी सिक्स टू सिक्स ट्वेंटी सिक्स है ना वन नाइन नाइन्टीन टू नाइन ट्वेंटी नाइन थ्री थ्री थर्टी थ्री ये है ट्वेंटी सिक्स ठीक है वन नाइन नाइनटीन थ्री टू थर्टी टू टू सेवन ट्वेंटी सेवन वन सिक्स सिक्सटीन एंड टू सिक्स ट्वेंटी सिक्स ठीक है ये सेवन सेवन थर्टी सिक्स ये ट्वेंटी सिक्स ओके ओके यहाँ पे ट्वेंटी सिक्स नहीं है तो ये भी कंप्लीट हो गया नेक्स्ट है आपको नाइन सर्कल करना है ठीक है यहाँ पे नाइन को आइडेंटिफाई कीजिए और उसको सर्कल कीजिए एंड यहाँ पे ये नाइन है हम इसको सर्कल करेंगे ये भी नाइन है ये नाइन है एक तरफ से सर्कल करने से क्या होता है ना कि हम लोगों को गलती नहीं होती है छूटते नहीं हैं नंबर और बीच बीच में करने से क्या होता है कि जो नंबर्स हैं वो कभी कभी छूट जाते हैं है ना ये नाइन हो गया एंड ये नाइन हो गया है ना अब ये पूरा कंप्लीट हो गया ठीक अब नेक्स्ट में क्या है आपका कंप्लीट द मिसिंग नंबर ठीक है हम लोगों को यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं कुछ यहाँ पे मिसिंग है तो हम लोगों को मिसिंग नंबर लिख के इसे कंप्लीट करना है ठीक है तो यहाँ पे काउंटिंग थ्री से है थ्री के बाद क्या आता है फोर तो हम यहाँ पे फोर लिखेंगे फोर के बाद फाइव सिक्स सेवन एट काउंटिंग कंप्लीट होना जरूरी ओके नेक्स्ट है टू तो टू के बाद क्या आता है थ्री फोर लिखा है देन फाइव सेवेन एट है ना इस तरह की जो वर्कशीट्स होती हैं उनको कंप्लीट करने के लिए हमें जो काउंटिंग है वो आ, अच्छे से आनी चाहिए तभी हम ये जो वर्कशीट्स हैं इस तरह की जो मिसिंग नंबर्स हैं उनको समझ पाते हैं और सही नंबर लिख पाते हैं है ना नाइन के बाद क्या आता है टेन आता है ना टेन एलेवेन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन ठीक है यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे सिक्स है तो हमें यहाँ पे सिक्स से बिफोर नंबर लिखना है तो क्या आता है फाइव है ना फाइव सिक्स और ये आपको तभी पता चलेगा जब आपको काउंटिंग अच्छे से कंप्लीट होगी फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और जो नर्सरी क्लास होता है उसमें आपको चाहिए कि आप डेली टू डेली जो मतलब काउंटिंग है उसको आपको रिवाइज करना ही चाहिए जिससे कि आपको दिक्कत ना हो और आपकी जो काउंटिंग है वो अच्छे से कंप्लीट बनी रहे क्योंकि मैथ्स है मैथ्स में जब तक आपकी काउंटिंग अच्छी नहीं होगी तब तक किसी भी तरह की सवाल चाहे वो एडिशन हो चाहे आपको ये काउंटेंट मैच हो या फिर ये आइडेंटिफिकेशन वाले हों आपको काउंटिंग तो ज़रूरी है ठीक है अब ये हमारा जो मिसिंग नंबर्स था वो कंप्लीट हो गया हम एक बार रिवाइज करते हैं थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन कंप्लीट हो गया यहाँ पे हमारा टू से स्टार्ट है देन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ठीक है नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन फिफ्टीन फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन एंड लास्ट में टेन है ना टेन वन वन इलेवन वन टू ट्वेल्व वन थ्री थर्टीन वन फोर फोर्टीन वन फाइव फिफ्टीन वन सिक्स सिक्सटीन ठीक है तो हमारी जो काउंटिंग है वो कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे है काउंट एंड मैच ठीक है तो हमें यहाँ पे सर्कल काउंट करने हैं और यहाँ पे जो सही नंबर हो उससे मैच करने हैं ठीक है थीके? तो कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो सेवन कहाँ पे है सेवन यहाँ पे है तो हम सेवन से मैच कर देंगे ठीक अब यहाँ पे कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टवेल्व है ना तो ये हो गया ट्वेल्व और ये कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और नाइन कहाँ पे है ये नाइन है है ना अब ये एडिशन ठीक है नर्सरी क्लास में हम लोगों को बच्चों को मोस्टली इस तरह की वर्कशीट कंप्लीट करके देनी चाहिए जिससे कि उनका बार बार जो काउंटिंग है या फिर जो नंबर का आइडेंटिफिकेशन है उसका रिवीजन होता रहे क्योंकि जितना वो काउंटिंग पढ़ेंगे जितना वो नंबर्स लिखेंगे उतने ही उनकी काउंटिंग भी अच्छी होगी और उतना ही उनका जो रिवीजन है और नंबर का जो आइडेंटिफिकेशन है वो भी अच्छा होगा ठीक है नेक्स्ट है एडिशन एडिशन में क्या होता है यहाँ दोनों को होता है और नर्सरी क्लास बच्चे हैं ये बहुत ईजिली उसको नोट कर लेते हैं तो हम सबसे पहले हमें ये काउंट करने हैं यहाँ नंबर लिख फिर इसको काउंट यहाँ नंबर लिखना है उसके बाद ये दोनों काउंट करके हमें यहाँ नंबर लिखना है ना इससे क्या होगा एक तो बच्चे एडिशन सीखेंगे एडिशन का मतलब क्या होता है ये समझेंगे दूसरा उनकी काउंटिंग अच्छी होगी और तीसरा वो नंबर आइडेंटिफिकेशन भी उनका अच्छा रहेगा तो वन टू थ्री तो हम यहाँ पे लिखेंगे थ्री ठीक है वन टू और यहाँ पे टू नेक्स्ट एड में एडिशन में क्या करना है हमें इनको और इनको दोनों को एक साथ प्लस करके यहाँ पे लिखना है ठीक है तो वन टू थ्री फोर फाइव है ना तो फाइव हम यहाँ लिखेंगे ठीक मतलब थ्री में अगर हम टू ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आता है फाइव आता है ठीक है ये होता है एडिशन जब हम इन दोनों को मिला के लिखते हैं तो वो हमारा एडिशन होता है अब यहाँ पे वन टू थ्री फोर तो हम यहाँ लिखेंगे फोर वन टू थ्री हम यहाँ पे लिखेंगे थ्री ठीक है तो कितना हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और बच्चों को जहाँ तक हो आप कोशिश कीजिए कि वो बोल बोल के ही काउंट करें बोल बोल के ही लिखें इससे उनका जो रिवीजन है वो बार बार उस नंबर को बोलते हैं बार बार काउंटिंग करते हैं तो उनके लिए अच्छा होता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है यहाँ पे सिक्स वन टू थ्री फोर ठीक है अब हम यहाँ पे एक साथ काउंट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए आ, ऐसी वर्कशीट लेके आए जो आप लोगों के लिए यूज़फुल साबित हो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो और जब आप उस वर्कशीट को कंप्लीट कराओ बच्चे को तो ये हो कि हाँ चलो बच्चों का एक रिविज़न हो जाए एक चीज़ उनकी कंप्लीट हो जाए तो हम हमेशा ऐसी कोशिश करते हैं आप जब भी मतलब अगर मान लो नर्सरी की क्लास की है आप नर्सरी क्लास पर डेली तो हम अपलोड नहीं कर पाते हैं क्योंकि और, और क्लास होते हैं उनके वीडियो भी अपलोड करते हैं लेकिन अगर आप नर्सरी क्लास की प्ले में जाओगे तो वहाँ आपको हिंदी इंग्लिश मैथ इन सभी की जो वर्कशीट्स हैं वो मिल जाएंगी और आप अपने अकॉर्डिंग आप जिस तरह का जो प्रैक्टिस बच्चों को कराना चाहते हैं आपको वहाँ पे जो वीडियोस हैं मिल जाएंगे आप उनको करवा सकते हैं बच्चों का रिवीजन अच्छा रहता है उससे और अगर आपको लगता है कि हाँ जो मेरे वीडियोस हैं मेरी जो वर्कशीट्स हैं जो हम आप लोगों के साथ सॉल्व करते हैं आपके लिए हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड नेक्स्ट है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट है ना तो हम यहाँ पे लिखेंगे एट और वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिक्स तो कितना हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन तो हम यहाँ पे लिखेंगे फोर्टीन ये तो हमारी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट हो चुकी है और आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं इनका इसका रिवीजन कर सकते हैं नंबर चेंज करके और वर्कशीट्स तैयार कर सकते हैं बच्चों को इसका रिवीजन करा सकते हैं क्योंकि रिवीजन और प्रैक्टिस ये जो चीज़ें होती हैं वो बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होती हैं स्टडी में इससे क्या होता है कि बच्चों को चीज़ें लर्न बनी रहती हैं और रिविज़न के ज़रिए बच्चे उन चीज़ों को बार बार जब बनाते हैं उन्हें पढ़ते हैं सीखते हैं तो उनको वो चीज़ें अच्छे से समझ में भी आती हैं वो उनको क्लियर रहती हैं और भूलते नहीं हैं तो टेस्ट में भी उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती है तो आप इसकी तब तक प्रैक्टिस कीजिए और इनका रिवीजन कीजिए और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है हेल्पफुल साबित होती है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को तब तक, तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे